दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार पांडुरना। पांडुरना में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहाँ आपको मिलेगी 40 रुपए से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों के आवागमन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं झांसी के पास इंटरलॉकिंग के काम के चलते 2 ट्रेनों को कई दिनों तक रद्द किया गया है, जिससे यात्रा करने की मुसीबत और बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार 12409 गोंडवाना एक्सप्रेस 7 फरवरी तक, तो 12410 निजामुद्दीन से रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस 5 फरवरी तक रद्द है। वहीं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को 4 फरवरी तक रद्द दिखाया जा रहा है। इससे भोपाल और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को प्रवास करने में परेशान होना पड़ रहा है। कोहरे का असर दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पर बना है। मंगलवार को दिल्ली से आने वाली 12616 जीटी एक्सप्रेस लगभग 5 घंटों की देरी से चली। वहीं दोपहर को पहुंचने वाली दक्षिण एक्सप्रेस 8 घंटा देरी से चली। दूर का सफर करने वाले ठंड के इस दौर में और ज्यादा परेशान हुए। वहीं शादियों में दूसरे शहर पहुंचने के लिए यात्री परेशान होते हुए देखे गए। सोमवार शाम को ग्राम पौनार के पास सड़क दुर्घटना में 2 युवकों के पांव में गंभीर चोटें लगी। मिली जानकारी के अनुसार रामदास रायसिंह उइके उम्र 50 साल निवासी कोड़िया, अपनी पत्नी भागो उइके 46 वर्ष और शिवचरण मोजी दुर्वे 26 निवासी ढोलन खापा के साथ गांव लौट रहे थे। आगे बैलगाड़ी चल रही थी, तभी पीछे से आई मोटरसाइकिल सवार अविनाश पिता कतरू इवनाती उम्र 18 वर्ष निवासी पिठेर ने टक्कर मार दी। तीनों मोटरसाइकिल सवार बैलगाड़ी से टकरा कर सड़क पर गिर गए। इस घटना में जहां रामदास उइके के पांव में गंभीर चोट लगी है, जिससे उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है, वहीं अविनाश को भी पांव में चोट लगी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सोमवार की शाम गुरुदेव वार्ड में आयोजित दीप उत्सव के दौरान हादसे में एक 6 साल का मासूम झुलस गया। उपचार के लिए उसे सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शाम लगभग 7:30 बजे दीपोत्सव के दौरान यहां खड़े ओम पिता किशोर घोड़े उम्र 6 साल के मासूम की पीठ पर अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आते ही पास खड़े लोगों ने उसकी जान बचाते हुए आग बुझाई। मंदिर में उपस्थित लोगों ने मासूम को सिविल अस्पताल में लेकर पहुंचे, यहां बालक का उपचार चल रहा है। भारत केबल नेटवर्क देता आ रहा है आपको कई सेवाओं के साथ, हमारे माध्यम द्वारा आपके उद्योगों को आगे बढ़ाने में आपका हर पल साथ। आज ही अपने विज्ञापन देने हेतु हमें संपर्क करें।